दोस्तों, मैं अल्पेश जोशी को आपसे जाकर बीच में एक नया एस्ट्रोलॉजी का टॉपिक लेके फिर से हम बात करने वाले राहु ग्रह की। देखिए, राहु में एक सीरीज चला रहा हूँ जिसमें मैं डिटेल में आपको बताते जाऊँगा हर पल। अगर आप कुंडली देख रहे हैं अपनी, तो D10 चार्ट देख लें, नवमांश कुंडली देख लें, D9 राहू के लिए मैं बता रहा हूँ, और D1 जिसकी हम अभी बात करेंगे, इसमें भाव में कैसा फल देगा राहु। दूसरी चीज़ ये है, राहु जैसा आपने मेरा थंबनेल देखा होगा, इनफाइनाइट सोर्स ऑफ मनी, डेफिनेटली वो देता है, इनफाइनाइट पैसा देता है, इनफाइनाइट पैसा लेता भी है। और राहु का जो वेल्थ होगा, याद रखना जिंदगी भर इस बात को, कभी भी स्टेबल वेल्थ नहीं होगा, अनस्टेबल होगा, कभी भी वो आपको स्थिर पैसा नहीं दे सकता, और लेता भी बहुत है, बट वो अलग अलग भाव में देता है। अब जैसे आपको एक चीज़ बताऊँ दोस्तों, कि राहु जब वेल्थ देता है ना, तो वो इनसिक्योर वेल्थ देता है, व्यक्ति हमेशा डरा हुआ रहता है अपनी वेल्थ को, वो इनसिक्योर वेल्थ होगी। सिक्योर वेल्थ जो मिलती है वो शुभ ग्रहों से मिलती है अधिकतर, जो कूर ग्रह होते हैं उनकी हमेशा एक डर रहता है उनकी वेल्थों से, हमेशा देखना है, मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है। अब जैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि राहु अगर जैसे लगन में आपने देखा कि लगन में बैठा है किसी के, तो ये सबसे पोजिशन जो होती है ना, ऐसा व्यक्ति के पास चीज़ें आएंगी भी, और ये व्यक्ति हमेशा अपनी इनसिक्योर रहेगा लाइफ में। इसलिए राहु मैंने फर्स्ट हाउस में इतना डीपली, आपने देखा होगा इस फॉन्ट को भी मैंने इतना बड़ा रखा है, इसलिए क्योंकि राहु फर्स्ट हाउस वाले को मैंने देखा है कि ये हमेशा इनसिक्योर रहता है हर चीज़ को लेके, ज़िंदगी में कुछ भी मिल जाएगा, इनसिक्योरेबिलिटी इसके अंदर होगी होगी, वेल्थ आ जाएगी इनसिक्योर रहेगा, हर चीज़ इसके अंदर इनसिक्योर लगेगी, इसको लगेगा सामने वाला गलत है, मैं बिल्कुल सही हूँ। राहु फर्स्ट हाउस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, अगर ये इंसान डिनाई कर रहा है ऐसा नहीं है तो झूठ बोल रहा है। ऐसा व्यक्ति मैंने देखा है कि छलिया भी बहुत होता है राहु फर्स्ट हाउस पर। हाँ, इनकी एक चीज़ अच्छी होती है, ये कई बार ना, अगर ये कर्क राशि का है, वृश्चिक का है, वृश्चिक का थोड़ा क्रिमिनल माइंडेड कर देता है, थोड़ा अलग ही सीक्रेटिव, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं ऐसा कर देता है, इन्वेस्टिगेशन वाला हो जाता है व्यक्ति बहुत ज़्यादा चीज़ों में। पर यहाँ पर आप देखना, जब राहु इधर आएगा ना फर्स्ट हाउस में, मेष का हो, अग्नि तत्व राशि में थोड़ा गुस्सा बढ़ाता है, और इमोशनल वाली राशियों में व्यक्ति को बहुत इमोशनल प्रैक्टिकल बना देता है। अब जैसे राहु फर्स्ट हाउस की मैंने बोली, राहु सेकंड हाउस में, तो ऐसे व्यक्ति के पास वेल्थ होगी, आएगी, बहुत पैसा देगा ये व्यक्ति को, डेफिनेटली देगा लाइफ में, 42 से 36 के आसपास या फिर 30 से 32 के आसपास कुछ ना कुछ ऐसे व्यक्ति को मिलता है लाइफ में। और ऐसा व्यक्ति हमेशा पैसों को लेकर इनसिक्योर रहेगा, फैमिली को लेकर इनसिक्योर रहेगा अपनी। फोर्थ हाउस वाला व्यक्ति माता को लेकर इनसिक्योर रहेगा, घर में रहेगा तो इनसिक्योर रहेगा, बाहर निकलेगा बिल्कुल सही हो जाएगा। थर्ड हाउस में राहु है, अपने भाई सिबलिंग्स को लेकर इनसिक्योर रहेगा। थर्ड हाउस का राहु ना बहुत अच्छी मार्केटिंग क्वालिटीज़ देता है, मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूँ, ऐसी व्यक्ति के अंदर कम्युनिकेटिव स्किल्स देता है कि व्यक्ति पैसा खुद से बना लेता है। और थर्ड हाउस का राहु ना, ये बहुत अच्छी ट्रेडिंग भी कर लेते हैं, ये इनके अंदर ट्रेडिंग क्वालिटीज़, जुआ सट्टे से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, एक सीक्रेट बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल देखा है। राहु फिफ्थ हाउस का, बच्चों को लेकर इनसिक्योर रहेंगे हमेशा, पढ़ाई को लेकर इनसिक्योर रहेंगे, माइंड लगेगा नहीं, एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे उस पर कॉन्सेंट्रेट होता ही नहीं है। राहु फर्स्ट वाले को, फिफ्थ वाले को, नाइन्थ वाले को देख लेना आप। राहु छठा, आठवा, बारहवा बैठा है जैसे आपका, जैसे राहु सिक्स्थ है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होंगी अगर ये पॉजिटिव राहु है यहाँ पर, कन्या का, मिथुन का। पर यहाँ राहु जब छठे घर में आता है तो दुश्मन बहुत होते हैं व्यक्ति के, ऐसे व्यक्ति दुश्मन अपनी खुद ही बना लेता है, क्योंकि इसकी वाणी के कारण और इसके नेचर के कारण। पर ये जहाँ भी रहेगा हमेशा जीते, विजय इसकी होनी होनी है, चाहे वो कोर्ट किस में हो जाए, किस में भी हो जाए, बट डिपेंड करता है कौन से साइन में। राहु सेवेंथ हाउस में पार्टनर को लेके इनसिक्योर रहेगा, सकी नेचर हो जाएगा पार्टनर को लेके। एट्थ हाउस में राहु है, हमेशा ससुराल पक्ष से कुछ ना कुछ दिक्कतें आएंगी, ठीक है। और एट्थ हाउस का राहु है तो हमेशा ऐसा लगेगा कि भाई मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, मेरे ऊपर जादू टोना तो नहीं है। राहु टेंथ हाउस में हमेशा प्रोफेशन को लेके इनसिक्योर रहेगा, सोचेगा यार मेरे को तो राइज ही नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, होगा सब कुछ लाइफ में, पर हमेशा इनसिक्योरबिलिटी बनी रहेगी। देता है राहु टेंथ हाउस में, पॉलिटिशियंस वालों को बहुत देता है, और ऐसा व्यक्ति छोटी जॉब्स में भी करवाता है राहु टेंथ हाउस में, MNCs या बहुत ज़्यादा छोटी छोटी जो जॉब्स होती हैं लाइक BPO वगैरह में। राहु 11th का है, मित्रों को लेकर बहुत ज़्यादा गेंस देता है, मित्रों को लेकर हमेशा इनसिक्योर, ये मेरा दोस्त है, कहीं मेरे पीठ पीछे ऐसा तो नहीं बोल रहा, मेरे को, मैं इसको खो तो नहीं दूंगा, ठीक है। राहु 12th हाउस का बहुत ज़्यादा ऐसे लोग ना, आप देखना कई बार इनका माइंड जो होता है ना, बहुत क्रिएटिव भी होता है कई बार, अगर ये पॉजिटिवली वर्क करता है, बट इनका ना एक नेचर हो जाता है, टेंडेंसी हो जाती है, ये ना चीज़ों को लेट गो नहीं कर पाते आसानी से, और इनके अंदर ना कई बार एक
स्वार्थी नेचर इस तरीके का आ जाता है कि अगर आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो उससे एक्सपेक्टेशंस बहुत रखते हैं। मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया, मेरे को बताना ज़रूर। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना।